हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ अवर फोर्थ लेसन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि यदि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इट इज़ द कंटिन्यूएशन पार्ट, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट वैलेंसी। प्रीवियस पार्ट में हमने अलग अलग मॉडल्स देखे, जितने भी मॉडल्स दिए हुए हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद उसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन देखा। अब हम देखते हैं वैलेंसी, व्हाट इज़ वैलेंसी। तो मेरे प्रीवियस थर्ड लेसन वाले वीडियो में भी मैंने आपको वैलेंसी के बारे में समझाया है। यदि समझ नहीं आया हो तो वापस से देखें। कि अगर एकदम शॉर्ट में इन वन वर्ड इफ वी वांट टू डिफाइन वैलेंसी, सो वैलेंसी इज़ नथिंग, इट इज़ अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। कि वैलेंसी क्या होती है, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कि किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज इट्स वैलेंसी। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, कि जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी एटम तब तक स्टेबल नहीं होगा जब तक कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो, मींस उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए उस एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, भले वो किसी से ले या किसी को दे। तो एक और बात ध्यान रखना कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल गिव एंड टेक टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और दूसरी बात कि यदि वो देगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और यदि वो लेगा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब वैलेंसी हम देखते हैं अलग अलग एटम्स की, कि आप वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज वी टॉक अबाउट लिथियम। लिथियम इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n1, मींस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके नेक्स्ट शेल में कितने हैं, 1, जबकि चाहिए कितने 8। इट मीन्स इसे 7 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल गिव और टेक, तो 7 किसी से लेगा, इससे बेटर है कि 1 किसी को दे दे। तो ये 1 किसी को दे देगा तो फर्स्ट शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 1। व्हाई? बिकॉज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1। ठीक है, ऐसे ही यदि हम दूसरा एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2, मींस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो थर्ड शेल में। तो इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि चाहिए कितने 8, मीन्स 6 इसको किसी से लेना है। अगेन द सेम कंडीशन कि 6 किसी से ले तो इससे बेटर है 1 किसी को दे दे। तो ये क्या करेगा, 2 किसी को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 2, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, है ना। फिर ऐसे आगे हम बात करें, अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n6। अब ध्यान रखें कि यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 6? नो, इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी होगी 2। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव और टेक, तो 6 किसी को देगा, इससे बेटर है 2 किसी से ले ले, दैट विल बी ईजी, कम एनर्जी लगेगी। तो इस तरीके से ये 2 किसी से ले लेगा और इसकी वैलेंसी, इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। पहली बात, वैलेंसी निकालने के लिए आपको उसके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी डिसाइड करके आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम की विदाउट कन्फ्यूजन। नेक्स्ट कम्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर।
तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इट इज डिनोटेड बाय जेड. इसे जेड से डिनोट किया जाता है. अगला होता है मास नंबर. मास नंबर मींस एटॉमिक मास. कि आप ध्यान रखें कि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल उसका मास नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जो मास नंबर है, एटॉमिक मास है, इट इज डिनोटेड बाय ए. कैपिटल ए से इसे डिनोट करते हैं. और ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू एन प्लस पी, मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. कि सपोज किसी भी एटम के आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हैं तो आप इजीली उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं. देन वी विल स्टडी अबाउट आइसोटोप्स. क्या होते हैं आइसोटोप्स? तो ऐसे एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स. तो इनमें क्या होता है, कैसे ही होते हैं? इट मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इनके जो न्यूट्रॉन्स के नंबर हैं वो वेरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि तीन आइसोटोप बनाता है, दैट इज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम. तो आप देखेंगे कि देखो प्रोटियम मीन्स इट हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन, जबकि ड्यूट्रियम वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन. ड्यू मीन्स टू, ठीक है. फिर ट्रीटियम ट्राई मीन्स थ्री, तो इसमें कितने? वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, ठीक है. तो अब इसमें देखने वाली बात या समझने वाली बात कौन सी है? कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब में कितने हैं? वन. मीन्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर. मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक नंबर मीन्स इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है. क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स अलग हैं तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा. सो ऑल सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म आइसोटोप. इसके अलावा भी कुछ आइसोटोप्स बनते हैं. दो तरीके के बनते हैं, जनरल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप. एंड दे आर यूज इन वेरियस पर्पज. अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे ये यूज किए जाते हैं. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप? कि मैंने बताया आइसोटोप अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं. स्पेशली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है. इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. उसके बाद जो आयोडीन है वो भी आइसोटोप फॉर्म करता है और उसका जो आइसोटोप है इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर डिसीज. गॉइटर जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी का ही डिसीज़ है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इट इज़ यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर. जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें एज अ फ्यूल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ यूरेनियम का किया जाता है, ठीक है. इसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूज इन कार्बन डेटिंग. नेक्स्ट इज आइसोबार्स. कि स्टूडेंट्स आइसोटोप के जस्ट ऑपोजिट आइसोबार्स होते हैं. कि जैसे मैंने बताया आइसोटोप मीन्स दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जबकि आइसोबार्स मीन्स दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. मीन्स कि इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. इट मीन्स दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. कि फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों का एटॉमिक मास सेम है. कितना? दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है, जबकि दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं. कि यदि हम कैल्शियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन की बात करें और इट्स एटॉमिक नंबर इज 18, बट दे आर आइसोबार्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स वेरी क्लियरली. तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें IMSC क्लासेस में. थैंक यू.